एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक ऑलरेडी आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा। ये टॉपिक है, आपके पार्टनर को आप में कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, कौन सी अच्छाइयाँ हैं जो उनको आप में बहुत पसंद आती हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव प्लस टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग मैं बिल्कुल नहीं करती। थी था पे ध्यान न देना, ठीक है, ध्यान देना सिर्फ एनर्जीज पे। और रीडिंग यस, जैसे कि मैंने कहा, जरूर है, जरूरी नहीं कि आपके लिए बनी है, रिजोनेट करेगी, ऐसा जरूरी नहीं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। रीडिंग पसंद आए मसाला लाइक चिपका देना, और यस टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, और यस कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो चलिए शुरू करते, स्टार्टिंग का इंट्रो बोलना पड़ता है। सो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स, आप अपने पार्टनर का जल्दी से ध्यान करें, उनके बारे में मन ही मन बहुत ज़्यादा सोचें, या उनका नाम दोहराएं, ठीक है, नाम बार बार रिपीटेडली बोलें, ठीक है। अब ये मत बोलना दीदी कौन सा वाला नाम लूँ, राकेश के लिए बोलूँ या महेश के लिए बोलूँ, मुझे तो दो पार्टनर हैं। तो यार डिसाइड कर लो किसके लिए रीडिंग देखने आए हो, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर को इनमें कौन सी क्वालिटीज पसंद है। हाँ, गर्मी बड़ी बढ़ गई है, एसी चलने के बाद भी बहुत गर्मी लगती है। यूनिवर्स गाइड करें, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर, उनके बारे में क्या चीजें, क्या बातें पसंद करते हैं। ओके, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं अभी हाल ही में, बहुत सारे बदलाव। बेसिकली आप जो है बहुत ज्यादा कह सकते हैं, या तो हॉट हो गए हो, या तो बहुत हैंडसम हो गए हो, सोच विचारों में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई है, आप काफी हद तक बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो। और इनको लगता है कि आप में यही क्वालिटी अच्छी है, आप किसी भी बात को होल्ड करके भी नहीं रखते हो। ज्यादा होल्ड करके रखना मतलब आप बेसिकली होता है ना, किसी बात को पकड़ कर रख लेना कि अच्छा ये है तो भाई मैं गुस्सा रहूं, मुंह फुला कर चलूं, नहीं, आप झगड़ा भी करोगे थोड़ी देर में शांत हो जाते हो, फिर वापस नॉर्मल हो जाते हो। तो ये जो है ना, इनको बहुत पसंद है आपकी बात, कि आप नाराजगी दिखाकर फिर वापस नॉर्मल हो जाते हो, ज्यादा लंबा टाइम गुस्सा नहीं रहते, ठीक है। वो एक आपकी एनर्जी है, आप जल्दी रफा दफा करते हो। दूसरा, आपके अंदर के अभी करंट बदलाव बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। इनको लगता है कि ये बदलाव से आप बहुत ज्यादा अभी करंट एनर्जी में तो चेंज हो गए हो, डेफिनेटली चेंज हो गए हो। उनको लगता है कि आप जो है अभी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, और आप बेसिकली जल्दी गिरते नहीं हो, ये क्वालिटी है आपके अंदर, जल्दी गिरते नहीं हो। चाहे हजार चैलेंजेस आ जाए आपके सामने, चाहे हजार चीजें आपके सामने हो जाए, पर मजाल आप गिवअप करो, आप जल्दी गिवअप नहीं करते कभी भी। लाइफ में आपकी गिवअप आसानी से नहीं होती, ऐसा दिखाई दे रहा है मानो जैसे कि, सॉरी हाँ, मैं मेरा माइक देख रही थी, ऐसा दिखाई दे रहा है मानो कि आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, शायद आपकी फैमिली की तरफ से, शायद आपके अपने लोगों की तरफ से, जिसके बारे में आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं, और उनको वही बातें हैरान करती हैं। उनको लगता है कि आप किसी भी सिचुएशन में बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को देखकर भी मुस्कुराते हो, जो कि बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपके पार्टनर को बेसिकली ऐसा लगता है कि आप जो है अंदर से बहुत हर्ट होते हो, अंदर से बहुत अकेले व्यक्ति हो, बहुत ज़्यादा लोनली हो, बट आप सामने कभी भी इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करते, हमेशा मुस्कुराते हो, फेस पे हमेशा बड़ी वाली स्माइल होती है। दूसरा, आपको लाइफ को एक्सप्लोर करने की आदत है, आप लाइफ में ना कभी भी एक जगह बैठकर टिककर चलने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जगह बैठकर चलो कि नहीं चलो यार ऐसे ही बैठे रहते हैं, नहीं, आपको स्पाइस अप करना आता है, चाहे रिश्ता हो चाहे लाइफ हो। आप एक सी लाइफ देखकर बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, तो आप बोलते चलो यार घूमने चलते हैं, चलो हम ये गेम खेल लेते हैं, चलो हम वो कर लेते हैं। आपको स्पाइस अप करना आता है रिलेशनशिप को, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से उसमें तड़का मारना आता है, तड़का मार के कैसे उसमें स्वाद लाना है, ये कला है आपके अंदर, और ये उनको बहुत पसंद है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। और ये देख पाते हैं कि आप एक जगह टिककर रहने वाली पर्सनालिटी, यानी कि आपकी एनर्जी में राधा शादा बोलते ना, राधा सीता टाइप की नहीं, सीता गीता टाइप की एनर्जी नहीं है, पल में कुछ पल में कुछ नहीं। इनको लगता है कि आप जो है एक रिश्ते में पूरी तरह अगर गए तो पूरी तरह निभाना जानते हो, उस रिश्ते को बहुत टूट कर उसके लिए 10-12 एफर्ट डालकर, इनफैक्ट 100 ऑफ एफर्ट डालकर उसको निभाने की एक अंदर कला है आपकी बहुत स्ट्रांगली। आपकी साइन हो सकती है एरीज, सैजिटेरियस, काफी लोगों के लिए कैंसर, कुछ लोगों के लिए स्कॉर्पियो, कुछ लोगों के लिए वर्गो एनर्जी, और हाँ एक्वेरियस एनर्जी भी है कुंभ राशि। और ये आपके पार्टनर की भी कुछ साइंस मिली है, सिमिलर साइंस आपके पार्टनर की, बस उसके अलावा मुझे कुंभ राशि, लिब्रा राशि, स्पाइसेस मिली है, कैप्रिकॉन मिली है, और यस स्कॉर्पियो, यस एक मिनट मैं कुछ देख रही हूँ। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना आप बेसिकली फिल्मी दुनिया के रहने वाले पर्सनालिटी हो, बहुत फिल्मों में रहने वाली पर्सनालिटी हो, बहुत ज्यादा सपने देखते हो,
आपके सपनों में बड़ी पॉजिटिविटी होती है, आप ना आने वाले कल का दृश्य ऐसा बनाते हो, ऐसी इमेजिनेशन क्रिएट करते हो जो बहुत ब्यूटीफुल होती है। यानी कि अगर इन्होंने आपसे बातों ही बातों में कह दिया कि चलो यार मैं बिजनेस कुछ खोलने जा रहा हूँ और मैं लाइफ में ये करूंगा वो करूंगा ये मेरा प्लान है, तो आप ना उनको बकायदा वो सपना दे देते हैं कि अच्छा बिजनेस खोलोगे ना फिर ये होगा फिर वो होगा, पता है तुम्हारे इतने पैसे आएंगे फिर उस पैसे से ना बंगला खरीदेंगे, फिर वो बंगले के बाद ना एक और घर खरीदेंगे, फिर जाकर ना हम एक गाड़ी भी खरीदेंगे, ऑडी खरीदेंगे, BMW घर। तो आपके जो सपने देखते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है जैसे आप उनके सपनों पर विश्वास रखना जानते हो, आप बकायदा आगे की जिस तरह प्लानिंग करते हो वो ब्यूटीफुल इसीलिए है क्योंकि आप उनको एक तरीके से एहसास दिला देते हो कि देखो तुम जो बोल रहे हो यस मुझे उस पर यकीन है, हम आगे ये प्लान करेंगे इसके साथ, तो ये इनको बहुत ब्यूटीफुल लगता है। प्लस कैसा है ना कि आप बेसिकली एक ऐसे लोगों में से हो जो अपनी दुनिया में रहते हो, आप बेसिकली ना ज्यादा लोगों के साथ इनका, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी इनकी ज्यादा होगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको आपका ज्यादा लोगों के साथ उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपकी फैमिली हो या आपके फ्रेंड्स हो इनको जलसी होती है, इनको आपके इर्द-गिर्द कोई पसंद नहीं, चाहे आपका भाई हो चाहे बहन हो, इनको आपकी क्लोजनेस किसी भी व्यक्ति से ज्यादा अच्छी नहीं लगती, इनको लगता है सिर्फ आप जो है इन पे फोकस करें और किसी पे ना करें, तो ये थोड़ा सा आपको आइसोलेट कर देते हो और आप हो भी जाते हो, आप बेसिकली अकेले हो भी जाते हो, इनके कारण आप सबको जग को छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हो कि हाँ हाँ तूने बोल दिया तो तेरी एक आवाज पे ये करने को मैं तैयार हूँ। वो एक एनर्जी है। आप बहुत क्रिएटिव हो, बहुत ज्यादा क्रिएटिव, आपको बेसिकली कोई हो सकता है कि आर्टिस्टिक वर्क करते हो, सिंगिंग वगैरह एंटरटेनमेंट में कुछ हो सकते हो, या आप बेसिकली बहुत ज्यादा पेंटिंग वेंटिंग में हो सकते हो, या हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को क्रिएटिव करना जानते हैं, आप लाइफ को बोरिंग नहीं रखते कभी भी, इसीलिए इनको लगता है आप क्रिएटिव हो। घर की साज सजावट हो सकता है आपको बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से घर को सजा वजा के एकदम डेकोरेटिव करके फूल वूल लगा वगा के करते हो, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपकी जिंदगी में आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो, रंगीन जिंदगी, बहुत कलरफुल लाइफ को पसंद करते हो, कलरफुल चीजें या कुछ ना कुछ, आपको बैठे रहना बेसिकली पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं, आप बैठ नहीं पाते हो, एक जगह एक कोने में आपको बिठा दे आप बोले भगवान कितनी देर बैठना पड़ेगा, एक दो मिनट भी आपसे हैंडल नहीं होता है, तो आप इसलिए इधर उधर भागने लगते हो, फिर ये करोगे वो करोगे, एक्टिव हो जाते हो बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर ऐसा देखते हैं कि आपको जो भी कहानी देते हैं आप उस कहानी को यकीन करते हो और ये बात बहुत अच्छी लगती है उनको, उनको लगता है कि आप उनकी कहानियां जल्दी मानते हो, बहुत जल्दी। एक होता है ना कि इन्होंने आपको कहा कि पता है मेरी जिंदगी में ना ऐसा ऐसा हुआ था पास्ट में और पता है उसने मेरे साथ ऐसा किया था, बोले हाँ बहुत गलत किया उसको सजा देनी थी, आप सवाल नहीं करते, आप सवाल नहीं करते यार ऐसा कैसे हो सकता है, तुझे क्यों बोलेगा कोई ऐसा, उसको जबरदस्ती की तेरे से खुन्नस से क्या, नहीं सवाल ही नहीं करते आप, हाँ सही बोल रहा है तेरे साथ ऐसा ही हुआ होगा, मतलब आप मान लेते हो, मैं ये नहीं कहती हूँ बेवकूफ हो, नहीं बस आपको अच्छा लगता है, आप एक अच्छे लिसनर हो कह सकती हो, आप एक अच्छे लिसनर हो जो अच्छे से बातों को सुनते हैं, हाँ भरते हैं, सुनते और ट्रस्ट करते हैं और उन्हें उड़ने की और अंडरस्टैंडिंग नेचर की दिखाते हैं बिहेवियर कि भाई देखो मैं तुम्हें कितना अंडरस्टैंड करती हूँ, और ये आप फेक नहीं करते, बस आप दिल से कर लेते हैं, ये अनजाने में आप उनको अच्छा हो ये इनके इनके दुश्मन आपके दुश्मन बन जाते हैं इस चक्कर में, अगर कोई दुश्मन इनका है तो ये बिहेवियर कुछ इस प्रकार का है, जैसे मान के चलो इनका कोई दुश्मन है इनको बिल्कुल पसंद नहीं तो वो दुश्मन आपका भी हो गया, वो आपका भी दुश्मन है, हालांकि आपके पार्टनर उसके बाद उस दुश्मन से दोस्ती कर लेते पर आपकी दोस्ती नहीं हो पाती, आप बोलते नहीं उसने मेरे पार्टनर को लास्ट में उस फलाना टाइम पे ये तकलीफ दी थी, मैं नहीं भूलूंगी उसको, भाई उसने कैसे किया, आप दिल से एकदम दिल से लगाव ले लेते हो, बहुत दिल से टची हो जाते हो। आपकी जिंदगी में आपको नजरिया बदलने का और नई नई तरीके से चीजों को देखने का एक अलग ही आपके अंदर हुनर है, लाइफ में आप जो है हमेशा मतलब बोलते ना हर चीज को एक नए सिरे से देखते हो, मान के चलो आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई ना तो आप उस प्रॉब्लम का दूसरा पहलू भी देखने की कोशिश करते हो, सिक्के के दोनों कॉइंस को सुनना और देखना पसंद करते हो, मतलब अगर किसी ने कुछ बोल दिया मान के चलो दो लोगों की लड़ाई हो गई तो आप सामने वाले का पक्ष सुनने की कोशिश जरूर करते हो कि तुम भी बताओ तुम भी बताओ फिर बोलती हो, तो ये जो है डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा है आपके अंदर, बहुत अच्छा, और आप अपने मन की सुनते हो, आप बेसिकली अपने दिल के राजा हो, आप दूसरों के हिसाब से दबाव में कंट्रोल में नहीं रहते, आप बेसिकली वो पर्सन नहीं हो जिसको कंट्रोल किया जाए बांधा जाए या जिसको बोलते ना कि सोसाइटी इमेज की पड़ी हो, नहीं आप सोसाइटी इमेज कॉन्शियस नहीं हो कि दुनिया क्या बोलती है, नहीं आपको वो लगता है जो आपको खुद को सही लगता है वही आप करते हो वरना नहीं करते। यूनिवर्स और बताएं इनके पार्टनर इनके बारे में और क्या चीजें पसंद करते हैं। आप ट्रिकी हो, आप इनसे कोई भी काम बहुत आसानी से करवा सकते हो, बहुत आसानी से,
कोई भी चीज भाई, कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में बैठी, मान के चलो आपने किसी मॉल में जाकर एक कुर्ता देखा है, तो वो कुर्ता इनसे कैसे खरीदवाना है वो आपके ऊपर एक कला है, आपको अच्छे से आता है कि वो कैसे आपको करवाना है इनसे। सीधे सीधे ये मानेंगे नहीं, तो जानबूझ के आप इनको टोक कर करके वो कुर्ता लेकर दिखाएंगे। ट्रिक्स खेलते हो बेसिकली, आपका दिमाग तेज है, उनसे बातें कैसे मनवानी है, कैसे चीजें करवानी है, मैन्यूपुलेट करने लगते हो, घुमाते हो, और कई कई बार तो इसके कारण विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हो, बेचारे बनते हो, इमोशनल नौटंकियां करना शुरू कर देते हो। हाँ ये देखो मेरे साथ तुम ऐसा कर रहे हो, मुझे दुखी कर रखा है। आपके पार्टनर जबकि आपके साथ बहुत अच्छे से चलते हैं, पर आप एक्टिंग कर करके उनसे बातें मनवाते हो। एक्टर कम नहीं हो आप ही। आप इनके अंदर का वजूद निकालने की कोशिश करते हो, बेसिकली आप वो पर्सन हो जिसने इनके अंदर के सोल को बाहर निकाला है, आपने इनके अंदर की पहचान बाहर निकाली है। ये आपके सामने फेक नहीं बन सकते, आप इनको कभी बनने देते ही नहीं, हमेशा आप इनको पुश कर करके बाहर निकालते हैं, इनके अंदर का बोलते हैं ना अंदर की जानकारियां निकाल लेते हैं। इसी कारण आप ना पर्सनल रीडिंग्स भी बहुत, ये टैरो रीडिंग्स भी बहुत देखते हैं, क्योंकि आपको इनके अंदर मन की बात जाननी होती है। आप खोजी हो बेसिकली, आपको खोजबीन पसंद है। आप वो स्वभाव के नहीं हो गया बस ऊपर ऊपर मेरा पार्टनर आके फूल देखे गया ठीक है चलेगा, नहीं आप वो पर्सनैलिटी होगी फूल कहाँ से लाया, कौन सी शॉप से आया होगा, कहाँ से कितने में आया होगा, ये सब मुझे पूछना है। मतलब एक प्रकार के खोजी हो, किसी किसी का स्वभाव खोजबीन का होता है, आप खोजी हो, आप बहुत खोज करना जानते हो, इसीलिए ये आपकी और इस बात की कला को पसंद करते हैं। आप बेसिकली इनसिक्योर होते भी हो तो दिखाते नहीं हो, हाँ पर आपकी इनसिक्योरिटी अलग तरीके से निकलती है, यानी कि आप ऐसे पर्सनैलिटी हो जिसमें अगर आपको सामने वाला दिख गया कि आपके पार्टनर पे डोरे डाल रहा है, फिर तो वो आपके चंगुल में आया और आपने उसकी कैसे बैंड बजाई ये सिर्फ आपको पता रहता है। आप अपने पार्टनर को एहसास नहीं होने देते हो कि आप जो है ट्रिकी बिहेवियर कंटिन्यू कर रहे हो और उनको जो है साइड करने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि मैं बात थर्ड पार्टी की नहीं कर रही हूँ। बस कभी भी आप इनसिक्योर हुए तो आप सीधे सीधे गाली देते नहीं हो कि अरे मैं इनसिक्योर हुई, नहीं आप घुमा घुमा के अपना काम करवाते हो, सामने वाले को दूर करवा देते हो, वो एक एनर्जी है आपके अंदर, स्मार्ट हो आप, पर कभी कभी विक्टिम कार्ड प्ले करके इनसे बातें मनवाते हो, बहुत होशियार हो इन चीजों में। सो बेसिकली आपके पार्टनर आपको पसंद बहुत करते हैं, हो सकता है आप दोनों में आज मनमुटाव है या चीजें उल्टी पुल्टी हैं, पर ये सभी चीजें ना टेम्पररी, लाइफ की कहानी नहीं है, ठीक है इसको ये बात याद रखना है कि लाइफ की कहानी नहीं है, ये आने वाले कल में कभी भी पिक्चर बदल सकती है। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, आपकी लाइफ अभी खत्म नहीं हुई, ठीक है तो लाइफ में अभी तो बहुत कुछ देखना और होना बाकी है, बट आपके इस स्वभाव को जिसको मैंने देखा है ये बहुत ही सुंदर स्वभाव है, इसको कभी बदलना नहीं, ये स्वभाव अगर आपका बदला तो फिर क्या ही मजे हैं। आपके पार्टनर को यही चीजें अच्छी लगती है, और ना सिर्फ आपके पार्टनर की बात, आपका ऑरा पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिविटी को मेंटेन करना है, इसको अपनी जिंदगी से जाने मत देना जस्ट बिकॉज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है या स्ट्रेस है, नहीं जैसे कि मैंने कहा चैलेंजेस को अच्छे से फेस करना आप जानते हो, तो शेर और शेरनी बने रहो, गिव अप मत करना, ठीक है। आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस, यूनिवर्स गाइड करें इनके पार्टनर के कुछ मैसेजेस दें। सॉन्ग एक ही निकाल रहे हो यार, बहुत आ जाते हैं फिर, ये लव आपको आई लव यू बोला है आपके पार्टनर ने। डिवाइन कॉलिंग, आपको डिवाइन कॉलिंग ऑलरेडी आ चुकी है, आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गए होंगे, हो सकता है आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हो, आजकल आपको कुछ वाइब्रेशन महसूस होती होंगी, तुम्हारे साथ बहुत अलग फील होता है, आपके साथ इनको बहुत डिफरेंट ही जर्नी फील होती है। अगस्त, अगस्त मंथ में आप दोनों के बीच कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। सब मुझसे तुम्हारे बारे में पूछते हैं, आपके बारे में बहुत लोग इनसे पूछते हैं। लास्ट से सॉन्ग सुन लेना यूट्यूब पे, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता, चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता, खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, जरूर सुनना, ये इनकी एनर्जी है, इन्होंने इस सॉन्ग को आपको डेडिकेट किया है, लड़का है या लड़की सुनिए, क्या जरूरी है, उनकी फीलिंग है। ऐसे इसका फीमेल वर्जन भी अब आ चुका है तो जरूर आप सुन सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए मैं चलती हूँ, अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, लाइक शेयर कॉमेंट या जो भी चीजें चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर वीडियो पर रिफ्लेक्ट कर रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ओम साई राम।